अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बहुत जी कुछ एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग कर लेते हैं। चले आज देखते हैं। ये क्या हो गया भाई? ये तो बटन जनाब बटन ख़राब हो गया। अब इसको ठीक करवाने के लिए जाना पड़ेगा जमील साहब के पास। तो चलो फिर पहले इस बटन को ठीक करवाते हैं, बाद में काम करेंगे। बटन को ठीक करवाने के लिए जमील खान साहब के पास जनाब जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं जमील खान साहब का ऑफिस जनाब, वो सड़क के दूसरी पार। ये जी रोड पे पानी खड़ा है, मेन रोड है। और जमील खान के ऑफिस पर जाने के लिए ये रोड क्रॉस करना पड़ेगा। ट्रैफिक रश बहुत ज़्यादा। ये जनाब जमील खान साहब का ऑफिस आ गया। तो अब मैं जमील खान साहब के ऑफिस में एंटर होने लगा हूँ। जमील खान साहब मौजूद हैं ऑफिस में। हाँ जी अंकल जी, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है जी। ये जी मैं जमील साहब के पास आया हूँ अपने लैपटॉप का बटन लगवाने। बटन तो नहीं लगा, लेकिन जमील साहब जो है ना वो जनाब कुछ ब्रीफिंग दे रहे हैं अपने काम के मतलब। तो जमील साहब की ब्रीफिंग सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये जी जमील साहब ने वर्किंग के लिए डबल स्क्रीन खोली हुई है, ये सिंगल कर रहे हैं। अच्छा जमील साहब आप बताएं। जी सर। हाँ जी। अच्छा सर बेसिकली सी अकाउंट्स। हाँ हाँ। स्क्रीन का साइज करना पड़ेगा। हाँ हाँ स्क्रीन का साइज करें सर जी। इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग सर बनता तो है ना फिर। अच्छा सर इस तरह के सर ऐसे अकाउंट्स वो सिर्फ हैं ना, एप्लीकेशंस डिजाइन कर रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भी ऐसे फॉरेन कंपनी। अच्छा किस कंपनी के लिए? फॉरेन? हाँ फॉरेन में है हमारे क्लाइंट। अच्छा उनके लिए हमने ये पहला सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जो विद मोबाइल ऐप, विद डेस्कटॉप और विद क्लाउड बेस। ठीक हो गया। इसे आप किसी भी डिवाइस के ऊपर किसी भी जगह पे और किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है सर कि हमने इसके अंदर डैशबोर्ड ऐसे बना रहे हैं कि आप कोई रिपोर्ट ना भी देखें, जस्ट डैशबोर्ड देख के भी आप अपने पूरे बिजनेस को एनालाइज कर सकेंगे। सिर्फ डैशबोर्ड देख के? जस्ट डैशबोर्ड देख के। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बिजनेस की ट्रेडिंग के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी बिजनेस के अंदर भी, वो होती है सर उसकी सेल्स एंड परचेज की क्या फ्लो चल रहा है, आपकी मंथली सेल्स क्या है, डेली सेल क्या है, एवरेज सेल क्या है, आपके उसके अंदर प्रॉफिट के मार्जिन क्या है, आपको लॉस की रेशियो है तो वो क्या है, आपके एक्सपेंसेस वगैरह या आपके एचआर डिपार्टमेंट के हवाले से जितनी भी चीजें हैं इनको हमने कोशिश ये की है कि इनके डैशबोर्ड्स दे दिए आपको। इसमें मैं आपको एक डैशबोर्ड भी चेक करवा रहा हूँ। जमील साहब के पास से हो गए तो आ गया। लैपटॉप का बटन तो नहीं ठीक हुआ, तो अब मैं बाजार जा रहा हूँ लैपटॉप का बटन ठीक कराने और कुछ दूसरी चीज़ें लेने। जी मैं अभी पहुँचा हूँ बैंक में, तो ATM में ये लाइन लगी हुई है। जी एक घंटे बाद बारी आई है तो आगे ATM में दे। अभी कार्ड यूज़ करके ये अभी मैं कार्ड डालने लगा। तो ये लिखा हुआ है कि हम जहमत के लिए माजद खान हैं। जनाब दूसरे बैंक आया हूँ बैंकल अभी, तो वहाँ पे एक बंदा ATM में गया हुआ है, देखते हैं। अब मेरे नंबर दाखिल हो गया ये जनाब। ये जी कार्ड वापस आ गया और ये पैसे आ गए। ये जी साथ मोबाइल पे आया है। साथ मोबाइल के साथ कंप्यूटर सेंटर शायद, साथ कंप्यूटर सेंटर एंड मोबाइल पे साथ। यार वो चाहिए मुझे मोबाइल के पीछे लगाने के लिए। निकाल जरा। हाँ 40 जी
ये सर आपको टीजी मिल जाएगी यूएसबी को मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए, यूएसबी और मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, कितने की होगी ये? आपको मिल जाएगी 100 की, 100 की मिलेगी। ये लें जी, ये जी ओटीजी ले ली है, इसे लगा के चेक भी कर लिया तो सही चल रही है। ठीक है, थैंक यू साहब साहब। तो अब जनाब हम इसे लेकर घर पहुँचते हैं। अभी जी मैं घर पहुँचा हूँ। वालेकुम सलाम, आप आ रहे हो दर्शन से? चलें ठीक। अब जी शाम हो चुकी है तो मैंने आज कंप्यूटर पर कुछ काम करना है, तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।